ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। जैसे कि हम जान चुके हैं कि फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन। बोन अगर बीच से ब्रेक हो जाती है, कट जाती है, टूट जाती है, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के प्रकार क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर में हम क्या आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, डिपेंड ऑन कि किसके बेस पर हम चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के आधार पर फ्रैक्चर ट्रूमेटिक और पैथोलॉजिकल दो प्रकार से होता है। किसके आधार पर? ईटियोलॉजी के आधार पर फ्रैक्चर टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ट्रूमेटिक और पैथोलॉजिकल। ये कॉज है। तो ईटियोलॉजी मतलब कारण। अभी इसमें ट्रूमेटिक आ रहा है, ट्रूमेटिक और पैथोलॉजिकल। तो ट्रूमेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ट्रूमेटिक कंडीशंस में क्या होता है, अनइवन फोर्स, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स, अनइवन मूवमेंट्स की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से, रोड में चल रहे हैं गिर गए, बाइक से गिर गए, बरसात में कहीं फिसल के गिर गए, वॉशरूम में कहीं चिकनाहट की वजह से फिसल के गिर गए, ये जो भी कारण हैं ये हमारे ट्रूमेटिक रीजंस हैं। इनकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसे हम ट्रूमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, एंड देन पैथोलॉजिकल कारण। पैथोलॉजिकल कारण क्या है, ये वो कारण है जिसमें किसी भी बीमारी की वजह से बोन कमज़ोर हो जाती है और वो टूट जाती है। जैसे बराबर से डाइट ना हो पाना, कैल्शियम की कमी होना, ऑस्टियोपोरोसिस, लंबे समय तक कोई बीमारी जिसकी वजह से बोन धीरे 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 वीक हो जाती। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज़ोर से छींकने में भी रिब्स बोन ब्रेक हो जाती हैं, बिकॉज रीज़न ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बोन झड़ने लगती है। तो ये जो वीकनेस की वजह से, जो किसी भी बीमारी के कारण की वजह से बोन कमज़ोर होती है और उसके कारण जो फ्रैक्चर होता है, वो पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट के आधार पे बोन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा? अनडिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, फट से हमने एक्सरे निकाला, एक्सरे, अच्छा बोन। अनडिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन बोन अपनी जगह पे ही है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये कंडीशन होगी, अनडिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर का मतलब होता है कि कोई भी बोन जो टूटती है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक हेयरलाइन फ्रैक्चर या फिर ऐसा फ्रैक्चर, ये अगर मेरी बोन टूट गई है, चाहे वो रेडियस की हो या अल्ना की हो, लेकिन वो अपनी जगह पे है। जस्ट लाइक ये बोन है, ये यहाँ से लेकिन टूट गई लेकिन अपनी जगह से हटी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बोन ब्रेक हुई और वो अपनी जगह से मूव हो गई। अपनी जगह से मूव होने के दो कारण हैं, एक तो इम्पैक्ट की वजह से बोन मूव हो जाती है, दूसरा उससे जो अटैच्ड मसल है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। मे बी फॉर एग्जांपल कि अगर ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, ये किसी भी कारण से इसको हमने पुश किया, ठीक है, तो ये इधर की तरफ मूव हो गई तो ये डिस्प्लेस हो गई। अब मे बी अगर कोई कारण ना हो और कोई मसल अटैचमेंट हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि कोई मसल अटैचमेंट है जो मसल इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, तो भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का कारण दो होता है, एक आउटसोर्स और एक
इन सोर्स में मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ओके ठीक है। तीसरा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे रिलेशनशिप विथ इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के साथ में संबंध, इन द सेंस वो फ्रैक्चर, वो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम थर्ड बात कर रहे हैं रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रिलेशनशिप के आधार पे, इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के आधार पर हम यहाँ पे फ्रैक्चर डिसाइड कर रहे हैं। साधारण से हिस्से पे लेते हैं, अगर ये ले लिया हमने बोन, ये पूरा बोन है, ठीक है, ये एक एग्जांपल के लिए समझने के लिए हमने ले लिया बोन को। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ, मान लीजिए नी में कोई फ्रैक्चर हुआ इस लोकेशन पे, तो ये ऑन द बेसिस क्लोज एंड ओपन, ओपन में क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और इसका जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा ये यहाँ से ये स्किन को इम्पैक्ट करते हुए, काटते हुए बाहर की तरफ आ जाएगी, मतलब ये जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है ये उसको टच करता है। तो जब फ्रैक्चर होने के बाद बोन स्किन के अंदर रहती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर, और जब वो स्किन को काट करके बाहर के इन्वायरमेंट से टच हो जाती है उसे हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। ओके बात समझ में आई, मे बी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि बोन बाहर निकल आती है, जो बाहर निकल आती है वो ओपन फ्रैक्चर होता है, वो इन्वायरमेंट को कांटेक्ट कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर टूट तो गया है, यहाँ स्वेलिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं लेकिन वो बोन बाहर नहीं निकली है, स्किन कटी नहीं है, इंटरनल फ्रैक्चर है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज फ्रैक्चर। ओके ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे डिपेंड ऑन पैटर्न, डिपेंड ऑन पैटर्न का मतलब है पैटर्न के आधार पे, ठीक है, पैटर्न के आधार पे हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं फ्रैक्चर में, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या होगा, एक सीधी बोन है, सीधी बोन में अगर ये बीच से कट हो जाता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है। ओके ये हो गया ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे आया ऑब्लिक, हमने बात करी ट्रांसफर की, अब सेकंड आया ऑब्लिक, ऑब्लिक में क्या होगा, ऑब्लिक में ये फ्रैक्चर, ये हो गया हमारा ऑब्लिक, ठीक है। ये ट्रांसफर, ट्रांसफर इन द सेंस बीच से डिवाइड होके अपन लोअर में हो गया, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब आड़े में फ्रैक्चर, जो भी बोन आड़े से टूटी होती है वो ऑब्लिक होती है। इसके बाद आया स्पाइरल, स्पाइरल में क्या होता है, बोन यूं आती है, ये यूं टूटती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं होती है, फिर ये स्पाइरल। द थर्ड इज 1, 2, 3, थर्ड इज स्पाइरल, ठीक है। फोर्थ आता है कम्युनिटेड, मतलब एक तरह से आप मल्टीपल फ्रैक्चर या बर्स्ट फ्रैक्चर बोल सकते हैं। इस पे क्या होगा, बोन यू टूटी होगी, ये आएगी, फिर इसके बाद ये अलग होगा, 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 मतलब उस पर कई फ्रैक्चर, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं आप, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर, हम बात फ्रैक्चर की कर रहे हैं जिसमें कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो होता है ये मल्टीपल फ्रैक्चर होता है। सी फोर्थ, ठीक है। अब सिगामेंटल फ्रैक्चर, सिगामेंटल फ्रैक्चर इज अ फिफ्थ, सिगामेंटल फ्रैक्चर में ये
फ्रैक्चर होता है और दो से तीन भागों में प्रॉपर सीधे से सीधे वो ट्रांसफर जैसा डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ अ सिगामेंटल फ्रैक्चर। ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है जिसमें मैंने आपको बताया, हमने बताया फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी में दो, ट्रूमेटिक और पैथोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा अनडिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट क्लोज एंड ओपन, ओके, एंड देन पैटर्न के आधार पर हमने देखा फर्स्ट इज ट्रांसफर, बीच से कट टूटती है, ऑब्लिक्यू आड़े में जाती है, स्पायरल में जस्ट लाइक अ पेन डाउन, ठीक है, पैटर्न में, एंड देन कम्युनिटेट में बर्स्ट फ्रैक्चर या मल्टीपल फ्रैक्चर बोल सकते हैं, और सिगामेंटल में दो से तीन जगह से टूट जाती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन रहा बोन का। तो हमने ये समझा कि फ्रैक्चर क्या है और फ्रैक्चर कितने प्रकार से होते हैं और किन किन पैटर्न से होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।